और इसी बीच एक बड़ी खबर, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। बटेंगे तो कटेंगे, मवालियों की भाषा है। बटेंगे नहीं तो ही जातीय जनगणना होगी। मौजूदा राज्य में सबसे ज्यादा अपराध की घटनाएं, नीतीश कुमार बीजेपी आरएसएस से ज्यादा खतरनाक, तो तेजस्वी यादव का यह बड़ा बयान। यादव इस वक्त एबीपी न्यूज के साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है। जिन सीटों पर चुनाव हो रहे तेजस्वी, वो सीट ज्यादातर आपकी सिटिंग सीट्स है, तो ये एक आपके लिए अग्नि परीक्षा के तौर पर है। 2025 से पहले आपने खूब मेहनत की है, दिखता है, लेकिन अग्नि परीक्षा में क्या लगता है, कितनी चुनौतियां हैं? नई पार्टियां भी इस बार है, यंग प्लेयर्स, न्यू प्लेयर्स भी हैं। हर चुनाव में नए प्लेयर्स होते हैं, हर जगह नई पार्टियां बनती हैं। अभी बिहार में एक और नई पार्टी का जो है अनाउंसमेंट हुआ है, तो लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। विरोधी जंगल राज बताते हैं, लेकिन आप हर दिन 110, 112, 115 हत्या की लिस्ट जब देते हैं, हर दिन जो घटनाएं हो रही हैं बिहार में, आप उसकी लिस्ट बकायदा सुबह सुबह निकालते हैं, आखिर तेजस्वी यादव क्या साबित करना चाहते हैं उन लोगों को जो आपकी सरकार को जंगल राज बताते रहे? जंगल राज की कोई परिभाषा होनी चाहिए। जंगल राज का अगर कोई आकलन करना चाहता है तो डेटा से किया जा सकता है, और डेटा ये बताता है कि मौजूदा सरकार में सबसे ज़्यादा बलात्कार, सबसे ज़्यादा अपहरण, सबसे ज़्यादा हत्या, सबसे ज़्यादा बैंक रॉबरी, सबसे ज़्यादा जो है लोग जो है लॉ एंड ऑर्डर एकदम ख़त्म हो चुका है। आपने अपने बयान में कहा कि नीतीश कुमार आरएसएस से ज़्यादा खतरनाक है, जबकि नीतीश कुमार की छवि हमेशा, मैं कहना चाहता हूँ जो अभी जिस प्रकार के स्वास्थ्य जो नीतीश कुमार जी का है, जिस हिसाब से अभी अस्वस्थ हैं नीतीश कुमार जी, वो आरएसएस और बीजेपी से भी खतरनाक है। जो गाली देता है मुसलमानों को, जो मस्जिदों पर जो लोग झंडा फेरवा रहे हैं, नीतीश जी उन्हीं लोगों को सिक्योरिटी दे रहे हैं। जो अररिया के सांसद ने जिस प्रकार की भाषा बोली, उसको अगले कुछ चंद घंटों के अंदर जो है सुरक्षा दे दिया गया। आदित्यनाथ ने कहा बटेंगे तो कटेंगे, और बीजेपी जिन बीजेपी शासित राज्यों में इस नारे का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर रही है, कैसे देखते हैं? बटेंगे तो कटेंगे, ये उनकी नकारात्मक सोच है, जहर फैलाने वाली बात है। जुड़ेंगे हम लोग तो जोड़ने वाला काम करते हैं, जुटेंगे तो अमन चैन रहेगा, जुटेगा देश तो तरक्की करेगा। आप देखिएगा हम लोग जुड़े रहेंगे, अगर बटेंगे नहीं तो हम जाति जनगणना होगी, लोगों की तरक्की होगी, अमन चैन रहेगा और देश हमारा महान बनेगा। लेकिन तोड़ना, नफरत फैलाना, कटना, बटना, ये तो मवालियों की भाषा है ना। शब्द का चयन तो देखो, कटेगा बटेगा, मतलब एक होना चाहिए, कौन कटे, कौन बटेगा तो कटेगा भाई, देश बटेगा, देश टूटेगा तो सबको नुकसान होगा। ये तो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, ये तो अमन चैन को तोड़ने की बात कर रहे हैं, ये तो साफ दिखाता है ना। तो इसकी कोई पैरवकार होना नहीं चाहिए। हम तो आप जैसे महान पत्रकारों को भी कहेंगे कि इन लोगों से उल्टा सवाल पूछना चाहिए। आप बताइए, अब्दुल कलाम ने इनमें सेल दिया इस देश को? एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।